आज पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के बैनर तले सरकार के निजीकरण की नीति के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल में कर्मचारियों ने बस अड्डे पर काले झंडों के साथ रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हुड्डा सरकार के समय हरियाणा में 4250 बसें थी, जो आज घटकर केवल 2150 रह गई हैं। जनता की मांग है कि रोडवेज के बेड़े में साधारण नई बस बताएं ताकि जनता को सुविधा मिल सके, परंतु सरकार नई 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें प्राइवेट लोगों से किलोमीटर स्कीम में तहत ला रही है, जबकि जनता की मांग है कि सरकार सरकारी बेड़े में नई बसों को शामिल करे। सरकार नई बसें लाने की बजाय किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसों को लाकर निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इन बसों में ना तो रोडवेज का ड्राइवर होगा, ना ही ये बसें रोडवेज की वर्कशॉप में रिपेयर होंगी, केवल परिचालक हरियाणा रोडवेज का होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अक्सर बयान देते रहते हैं कि नई बसें रोडवेज के बेड़े में आ जाएंगी, परंतु केवल बयानबाजी ही बनकर रह गई है, जिसे हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं सरकार की जो नीतियां उनके विरोध में, क्योंकि पहले उड्डा सरकार के दौरान भी 4250 बसें थी, आज बसों की संख्या 2150 रह गई है। जनता की मांग है कि सरकारी बसें ऑर्डिनरी बसें हमें दिए ताकि जनता को गरीब जनता को सुविधा मिल सके, लेकिन सरकार की मंशा और है। सरकार 550 इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रही है और वो भी किलोमीटर स्कीम के ऊपर। पहले हमारे मंत्री जी ये कहते थे कि हम इनको सरकारी उसमें लेके आएंगे, लेकिन अब 1,25,00,000 की बस ये कह रहे हैं हम इसको हायर नहीं कर सकते, प्राइवेट वाले करेंगे, जबकि हमारा कहना है कि सरकार इसको हायर करे। और दूसरा हमारा इसमें ये भी कहना है कि ये बसें जो है पहले भी कॉलम गेम जो हुए थे दिल्ली के अंदर, उस टाइम भी कुछ बसें सरकार ने दी थी, आज वो सारी बसें कटारा खड़ी हैं और इतने रुपये लगाने के बाद जनता को उनसे कोई सुविधा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं गरीब जनता को देने के लिए 10,000 बसें सरकार दे, ताकि गांवों के अंदर भी सरकारी बस जा सके और गांवों के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। जबकि हमारी रोडवेज के बस के अंदर 47 कैटेगरी भरी हैं, उनको सरकार फ्री तो कर देती है, जो सरकारी बसें बचेंगे नहीं तो वो चलेंगे किसमें, हमारा ये भी मानना है। दूसरा हम सरकार को अपील करना चाहते हैं कि ये जो बसें हैं इनको बंद करें, सरकार ऑर्डिनरी बसें लेके आए ताकि जनता को बेहतर परिवहन की सुविधा मिल सके। आज का ये प्रोग्राम साझा मोर्चा के हान पर पूरे प्रदेश में जो सरकार 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें लेने जा रही है, पहले तो परिवहन मंत्री कहता था कि 1,000 बसें हम लोग विभाग में डालेंगे, आए दिन वो अपने वादे से मुकर रहा है। ठीक, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है कि रोडवेज के अंदर गुड़गांव के अंदर एचआर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर चैसी आई हुई है, एक झूठा ढकौंसड़ा जनता को दिखाने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए। और एक नया बयान अचानक परिवहन मंत्री दे देता कि 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो रोडवेज के अंदर आएगी, कि वो सवा करोड़ की जो एक बस है, इतनी बड़ी महंगी बस हरियाणा सरकार उसको हायर नहीं कर सकती, किलोमीटर के नाम पर जो पहले स्कीम चली हुई है वो ठेकेदार ही उसको चलाएंगे, उसके अंदर ना तो हमारा मिस्त्री होगा और ना ही हमारा चालक होगा, खाली है जो एक परिचालक जो रोडवेज का किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत है। हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि आज रोडवेज के बाड़े में 2150 ही बसें मात्र रह गई है, हमें इतनी महंगी बसों की क्या जरूरत है, जब हमारे को जो हमारी सिंपल बसें हैं जिसे ऑर्डिनरी बस कहा जाता है, अगर ये बस 10,000 रोडवेज के बेड़े में जोड़ दी जाएं, जो हमारे प्रदेश की जनता को आज तराई तराई जिस तरह से बस स्टैंडों पर छात्र छात्राओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए बसों का प्रबंध नहीं है, इस जनता को एक अच्छी सुविधा जो मिल सकती है। हम आपके माध्यम से भी परिवहन मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का आका है उससे भी निवेदन करना चाहेंगे, इसी जनता की सुविधा को देखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक बसों की जरूरत नहीं है। जो 1,25,00,000 की जो परिवहन विभाग कहता है कि अपने आप में हम लोग इस इतने बड़े बोझ को नहीं उठा सकते।